नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीएसए जी टेक के एक और नए वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है वी लुकअप। हर एक्सेल एक्सपर्ट को इस फंक्शन को आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हम इस फंक्शन के हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये करता क्या है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक छोटा सा मैंने कुछ सीट बना रखा है, जिस पे रोल नंबर, नेम और कोर्स रख रखा है और इसका एक पूरा का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एंट्री कर रखी है। अब अगर यहाँ पे मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 लिखा और एंटर जैसे लिया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए डिटेल बदल जा रहा है। मैंने यहाँ पे रोल नंबर चेंज किया और देखिए यहाँ पे कोर्स बदल गया, यहाँ पे नेम बदल गया। तो जो भी रोल नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे, उस रोल नंबर के अनुसार वो सीट 1 में जो भी डिटेल है उसको वो वहाँ पे दिखा रहा है। चलिए एकदम सिंपल से समझते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 में कौन है? राहुल सिंह, एडी से। सीट 1 में चलते हैं। रोल नंबर 1 राहुल सिंह और इसका कोर्स है एडी से। तो कितनी आसानी से ये सीट 1 से यहाँ पे हमें डाटा दिखा रहा है। ये जिस फंक्शन के द्वारा किया गया है उसे वी लुकअप फंक्शन बोला जाता है। कैसे किया जाता है चलिए आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आप वी लुकअप को सेम सीट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे सीट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक टेबल से रिकॉर्ड्स को निकाल के किसी दूसरे टेबल में दिखाने का जो तरीका है वो वी लुकअप है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीट 1 पे मैंने डाटा लिख रखा है और यहाँ पर भी मैंने वी लुकअप को इस्तेमाल कर रखा है। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर भी मुझे जवाब मिलेगा। तो आप सेम सीट में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डिफरेंट सीट भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे सीट में भी लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे सीट में लिखने में। ज़्यादा समस्या यहीं पर आती है। अगर आप सिंगल सीट में लिखना जानते हैं तो भी हो सकता है आप दूसरे सीट पे लिखने में कंफ्यूज हो। तो दूसरे सीट वाले को मैं क्लियर करता हूँ पहले। तो यहाँ पे रोल नंबर में हमें कुछ भी नहीं करना, उसे ब्लैंक छोड़ देना है। नेम, जहाँ पे हमें डाटा उठाना है उस जगह पे क्लिक करेंगे और फंक्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट फंक्शन का बटन देख रहे हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। या तो फॉर्मूला में जाएँ, फॉर्मूला में आप लुकअप एंड रेफरेंस में जाएँ, यहाँ पर आपको लुकअप का फंक्शन मिल जाएगा। इस पे भी क्लिक करके ले सकते हैं। तो जहाँ से भी लेना चाहें क्लिक करके लुकअप का फंक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर लें। डायरेक्ट ना लिखें, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सीधा फंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फंक्शन बॉक्स लेने के बाद लुकअप वैल्यू जो है ये पूछ रहा है कहाँ पे आप वैल्यू टाइप करेंगे। तो हम लोग वैल्यू टाइप करने वाले हैं रोल नंबर में। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिकली इसने उसका सेल एड्रेस ले लिया। अब ये नेक्स्ट वाला जो है इसमें ये पूछ रहा है कि टेबल एरे कहाँ है, किस टेबल से मुझे डाटा उठाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, शीट 1 में जाएंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से मैंने पूरा टेबल जितना भी डाटा है मेरे पास मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, मतलब यहाँ पे किस कॉलम का ये डाटा उठा के मुझे दे देगा। तो यहाँ वापस चलते हैं हम सीट 1 में, कौन से कॉलम में है। अब ये कौन से कॉलम में है इसका मतलब ये है कि हम लोग आगे से कॉलम काउंट करेंगे। ये पहला ए जो है 1 का लाएगा, 2, 3, 4 इस तरह। तो हमारा जो लेना है डाटा वो कौन सा लेना है, नेम का लेना, और वो किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है। यहाँ पे सीट 1 इसने लिख दिया, इसे मिटा देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद ओके पे कर देंगे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे नल वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कोई इनपुट नहीं दिया। जैसे मैं यहाँ पे कोई इनपुट डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डाला 56 और एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसने यहाँ पे नाम उठा लिया। अगर मैं 1 लिखता हूँ, ये यहाँ पे 1 में जो भी नाम होगा उसको उठा लिया। अब मुझे यहाँ कोर्स लेना है तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें कौन सा लेना है, लुकअप लेना है। तो हम लोग लुकअप ले लेते हैं, वी लुकअप। ओके, वी लुकअप हमने ले लिया। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कहाँ है। लुकअप वैल्यू हमारा इस जगह पे है, क्लिक कर दिया, इसने ऑटोमेटिक सेल एड्रेस ले लिया। अब बोल रहा है टेबल एरे कहाँ पे है, इसे हमने क्लिक किया और चले गए सीट 1 में और यहाँ मैंने टेबल एरे इसे सिलेक्ट करके दे दिया। वैसे जैसे इसके ऊपर वाले सेल पे हमने किया था। ये कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद ये बोल रहा है किस कॉलम में आपका वो वैल्यू है जो आप वहाँ दिखाना चाहते थे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और वापस शीट वन में गए। हमारा वैल्यू कौन से कॉलम में है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 यानी 15 नंबर पे हमारा वो वैल्यू है जिसे हम वहाँ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने 15 लिखा और ओके पे कर दिया क्लिक, बस हो गया। अब कितना सिंपल सा है वी लुकअप का फंक्शन, ये आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पे मैंने उसे यूज़ किया और इंसर्ट फंक्शन बॉक्स के द्वारा और भी इजी हो जाता है। तो लिखने से बेहतर है कि जब भी आप वी लुकअप फंक्शन यूज कर रहे हो तो फंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे आप कोई भी रोल नंबर डालें जो उस हमारे जो डाटा है उसमें हो और उसके अनुसार यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कि अगर सेम सीट में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये सीट 3 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मैंने यहाँ फ़ी का डिटेल भी ले रखा है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 ने बोला कि सर अभी तक मेरा कितना फ़ी जमा है, तो मैंने 1 लिया और एंटर प्रेस किया और ये देखिए टोटल इसने यहाँ पे अमाउंट पिक कर लिया उस टेबल से जो हमने बना रखा है जहाँ पे इसकी एंट्री की हुई है। अब मान लीजिए इसी तरह से 56 नंबर रोल नंबर ने पूछा, अब उसने कितना फ़ी जमा किया है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक पे किया है, बाकी इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किए हैं, मतलब टोटल उसने अभी तक 1000 पे किया है। तो काफ़ी आसानी से इस तरह का भी आप रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं किसी भी टेबल से। अब चलिए चलते हैं सीट 1 में और जो हमने कहा था कि सेम सीट पे निकालना हो तो कैसे करें। तो सेम सीट पे भी उसी तरह का काम करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग मिटा देते हैं। ये पूरा हमने मिटा दिया। कुछ इस तरह से आप बना लें, रोल नंबर, नेम, कोर्स वगैरह जो जो आपको यहाँ पे डाटा यहाँ से पिक करना है इस टेबल से वो आप फील्ड यहाँ तैयार कर लें। अब इसके बाद जैसे नेम में मुझे चाहिए तो नेम पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट फंक्शन में गए और यहाँ पर हमने वी लुकअप को सर्च ले लिया और इसे ओके कर दिया। अब वी लुकअप आ गया। ये पूछ रहा है कि वैल्यू कहाँ से लेना है, तो मैंने रोल नंबर वाले सेल को क्लिक कर दिया, वैल्यू यहाँ से लेना है। टेबल एरे कहाँ है, यहाँ टेबल एरे हम लोग ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया, ये टेबल एरे यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर कितना रहेगा, तो कॉलम नंबर हमारा सेकेंड था क्योंकि नाम हमारा सेकेंड में है, यहाँ मैंने 2 लिखा सेकेंड के लिए और ओके पे कर दिया क्लिक। और ये देखिए यहाँ पे हमारा पहला वी लुकअप का जो फंक्शन था वो इमेट हो गया। अब यहाँ रोल नंबर में हम गए और कोई भी रोल नंबर लिखा, जैसे मैंने 2 लिखा और एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसने नाम उठा लिया। यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर रोल नंबर में कौन सा नाम है। इसी तरह अगर मुझे कोर्स यहाँ पे उठाना है, कोर्स में कौन सा डिटेल है, तो उसके लिए भी हम लोग फिर से फंक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू कहाँ पे, लुकअप फिर से ये रोल नंबर को ही लेगा, तो रोल नंबर मैंने ले लिया। इसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे इसे दे देते हैं, कहाँ से कहाँ तक का टेबल है ये हमने ले लिया। इसके बाद तीसरा नंबर है कॉलम इंडेक्स, जिसमें आपका डाटा हो उस कॉलम का नंबर ये मांग रहा है। तो हम लोगों ने काउंट किया था ये लास्ट कितना था 15 नंबर, तो हमने ये 15 नंबर यहाँ डाल दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। और ये देखिए जैसे ही यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे नाम भी चेंज हो जा रहा है और उसके अनुसार उसका जो कोर्स है वो भी आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10 नंबर और एंटर मैंने प्रेस किया, देखिए 10 में आकाश पॉल है, डीसीए है। तो यहाँ चल के देखते हैं, ये 10 नंबर है आकाश पॉल और इसका कोर्स कौन सा है, डीसीए है। इस तरह से हमने यहाँ डिटेल ले ली। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे इंस्टॉलमेंट उठाना होता, यहाँ पे मैं लिखता फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और यहाँ पर सेम उसी तरह से फंक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ वी लुकअप का फंक्शन जो था उसे वापस क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। पूछेगा लुक वैल्यू कहाँ पे, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल का भी हमने यहाँ पे दे दिया पूरा का पूरा रेंज इसे। इसके बाद कौन से कॉलम में है हमारा पहला इंस्टॉलमेंट, तो वो देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, मतलब तीसरे नंबर पे, तो ये मैंने तीसरा नंबर दे दिया और ओके कर दिया। और ये समझ गया कि मुझे डाटा कहाँ से उठाना है। इसने देखा यहाँ पे रोल नंबर को और तीसरे नंबर कॉलम से जो पहला नंबर उठाया होगा उसका यहाँ पे इसने डाटा डाल दिया। तो काफ़ी आसानी से आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के कमाल के आप रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हैं जिसके द्वारा आपके जो बड़े बड़े काम हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो या किसी तरह का कोई सुझाव तो कमेंट पर लिखने से ना हिचकिचाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।